सहारनपुर के लालगंज कोतवाली के जलेसरगंज में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली के तोपखाना में नाबालिग को दबंगों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को लेकर तमाम कोशिशों के बीच आजमगढ़ के मुबारकपुर में एक दारोगा ही खुद रोमियो बन गया। दारोगा पर विवाहिता ने आरोप लगाया कि वो उसे लगातार फोन पर अश्लील बातें कर परेशान कर रहा था, जिसके चलते तंग होकर महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। रायबरेली में इन दिनों अवैध कब्जे के मामले में कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला लाल ऋषि कन्या इंटर कॉलेज के पास का है, जहां नाले के आगे की जमीन पर स्कूल ने अवैध रूप से कब्जा कर दीवार का निर्माण कर लिया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद एसडीएम ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में बीती शाम इलाज को लेकर छात्रों और जूनियर डॉक्टर में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान चिकित्सकों को हल्की चोटें भी आईं। घटना के सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत सुनने के बाद मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अंबेडकर नगर की राजकीय महामाया एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में बीते दिनों बीजेपी विधायक संजू देवी ने अचानक मेडिकल कॉलेज पहुंचकर निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान विधायक को मेडिकल कॉलेज में कई लापरवाहियां मिली, जिसके बाद विधायिका ने विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। गर्मी में बढ़ते पारे में लोग झुलस रहे हैं और जिसके चलते लोग बूंद बूंद पानी को भी तरस रहे हैं। बावजूद इसके पानी की बर्बादी नहीं रुक रही है। कानपुर के फूलबाग वाटर प्लांट में लाखों लीटर पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है, लेकिन जल निगम को इसकी थोड़ी भी चिंता नहीं है कि यहाँ पानी क्यों बर्बाद हो रहा है। बीते दिनों आशा भोंसले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंची। वहां पत्रकारों ने जब सोनू निगम के लाउडस्पीकर के उपयोग पर दिए गए बयान के बारे में पूछा, तो उन्होंने दो टूक शब्द में कहा कि वो मेरे गाने वाले दोस्त हैं और मैं उनके साथ हूं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की और कहा कि यदि ऐसे नेता हमें 50 साल पहले मिले होते तो देश की तस्वीर बदल जाती। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, जिसकी तैयारियों में प्रशासन मुस्तैद होकर काम कर रहा है। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सचिवालय में पर्यटन विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित होनी चाहिए। यात्रा में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में जंगल में आग से निपटने के लिए वन विभाग तैयार है। इस बाबत वन मंत्री हरक सिंह रावत ने वन विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक ली और दिशा निर्देश भी जारी किए।